अव्यक्तवाद दादा की पांच बार है 2016 की अव्यक्तवाणी आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। कौन से दिन तारीख की बात की? आज के दिन ज्यादा ब्रह्मा बाबा की याद क्यों आती है? पांच बारे को क्या हुआ था? अठारह जनवरी को तो ज्यादा याद आती है। क्योंकि स्मृति दिवस मनाया जाता है। 5-12 को ज्यादा याद क्यों आती है? कोई की बुद्धि में आता है? एडवांस वालों की बुद्धि में भी नहीं आता। अच्छा, बेसिक वालों की बुद्धि में आता होगा। पूछना, यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पार्ट चला था। कौन सा दिन? 5 दिसंबर। और सभी की सूरत में बाप दादा की मूर्त स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। इसकी मूर्ति अमूर्त नहीं, मूर्त। मूर्त माने साकार रूप प्रत्यक्ष हुआ था। बोला, बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पार्ट चला था। पार्ट साकार षष्ठी पर होता है। यह सूक्ष्म वतन में होता है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी में होता है। किन्या तो बोला है, बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पार्ट चला था। इस सूक्ष्म वतन में पार्ट कैसा होता है? है? और साकार रूप नहीं है, निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज तो बिंदु रूप स्टेज हो जाती है, उसमें तो नो संकल्प, संकल्प विकल्प की दुनिया ही खत्म हो जाती। वो तो परम धाम की स्टेज है, वहां संकल्प विकल्प होता है।
तो कहां की बात है। हाँ, साकार में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में जब आत्मा व्यस्त हो जाती है तो साकार दुनिया को भूल जाती है। साकार दुनिया के सतोपदान रूप सतयुग को भी भूल जाती है। हाँ, नई दुनिया का प्लान चलता है बुद्धि में। सर्विस के प्लान चलते हैं। जो सुप्रीम बाप के दिए हुए पॉइंट्स हैं, उनकी गहराई में जाने की बुद्धि चलती है। माना मनन चिंतन मंथन में साकार में होते हुए भी इस सृष्टि पर पार्ट बजाया जा सकता है या नहीं, तो उसी ओर इशारा किया कि बाप दादा के मिलन का, किसके मिलन का, बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पार्ट चला था। किसके किसके मिलन का है, बाप और दादा कौन हुए, राम बाप, शिव बाप नहीं, शिव बाबा जब कहें तो शिव बाबा एक व्यक्तित्व या दो अलग अलग व्यक्तित्व, व्यक्तित्व अव्यक्त नहीं, दो अलग अलग व्यक्तित्व। आत्माओं का बाप शिव, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, शरीर तो होता ही नहीं, तो उसे व्यक्त कहेंगे। व्यक्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य हो। तो बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पार्ट चला था। कौन हुए बाप दादा है, निराकार के मिलन का पार्ट पहली बार चला था क्या, सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा, ये सभी कौन, जो भी बच्चे थे उस दिन मौजूद, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं, वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे। जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं, तो यही दिन था पहला दिन क्या, अव्यक्त मिलन का पहला दिन,
जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। कौन सा बाप? शिव बाप। वो तो साकार में प्रवेश होते हुए भी व्यक्त भाव में आता है। सुप्रीम सोल बाप आता है? नहीं आता। तो ये पहला दिन था जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हरेक के मन में वो दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन। कैसा मिलन? अव्यक्त मिलन। आत्मा अव्यक्त और परमपिता वो भी अव्यक्त। अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ और अव्यक्त रूप में बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिन था। किसके किसके मिलन का? बाप दादा। तो पहले बाप दादा समझ में तो आए? आत्मा परमात्मा परमपिता। परमपिता शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, शरीर उसका होता नहीं, वो बाप सुप्रीम सोल। और दूसरा, दूसरी आत्मा कौन? परमात्मा। कौन? परमात्मा। कौन है? शिव बाबा। 5 दिसंबर अगर सोचें कि 18 जनवरी को तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज साकार शरीर में रहते क्या मनन चिंतन मंथन की अव्यक्त स्टेज में आया था? आया था? उनका तो मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं था। ज्ञान के पॉइंट्स में, गहराइयों में आत्मा जाती ही नहीं थी। जैसे बच्चे होते हैं अबोध, तो वो सूरदास के, तुलसीदास के, मीरा के पद रटते रहते हैं या उनकी गहराइयों को समझते हैं? हैं? गहराइयों को तो नहीं समझते। तो ब्रह्मा की बात नहीं है। किसकी बात है? है? हाँ, राम बाप वाली बात। लेकिन पहली लाइन में कहा आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। हैं? हाँ, वो भी तो ब्रह्मा है, प्रजापिता। और ब्रह्मा है तो वो बाबा है या नहीं है? तो 5 दिसंबर क्यों बोला? Yeah.
है। कौन सा 5 दिसंबर, कौन से सन का? है कौन से सन का है? 16 का। उससे पहले मनन चिंतन मंथन करने वाला जो साकार है वो था ही नहीं। पांच बारह 69 की, 5/12 1916 को तो यज्ञ भी शुरू नहीं हुआ था। 5/12 1916 को यज्ञ शुरू हुआ था क्या? है बाबा तो याद कर रहे हैं पास्ट को। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। किसको? प्रजापिता को ही ज्यादा याद आती है ब्रह्मा बाबा की। वो ही ब्रह्मा बाबा, अब्बल अमर का ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, और उसी को याद ज्यादा आती है। 1936 में जो बाप था उनको याद आता है। 1936 में जो बाप था आदि में उनको याद आता। 1936 में या 37 में जब प्रवेश किया उस समय मनन चिंतन मंथन था। मुरली नहीं आई उस समय, तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था साक्षात्कार का। 76 का बात है। और साक्षात्कार का जो फाउंडेशन था उसमें वो ही मनुष्यों की लिखी हुई गीता जो द्वापर के आदि में सतो प्रधान स्टेज में लिखी गई थी उसी का क्लेरिफिकेशन देते थे। भक्ति मार्ग की गीता का क्लेरिफिकेशन देते थे ना। तो वो जो क्लेरिफिकेशन देते थे वो क्लेरिफिकेशन रामवाली आत्मा देती थी। है शिव बाप देता था ये तो कहें, बाकी राम बाप हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? साकार व्यक्तित्व को निराकारी या आकारी तेज में टिकने में पुरुषार्थ करना पड़े ना, कि तुरंत हो जाता है। तो पहला दिवस कौन सा था? 36-37 का तो नहीं हो सकता। 69 का, हाँ, सुप्रीम सोल बाप मनन चिंतन मंथन की स्टेज में राम वाली आत्मा को कब से लाता है? सन 69 से। कितने साल पूरे होते हैं यज्ञ को? 76 में 40 साल पूरे होते हैं। तो जो फर्स्ट ब्रह्म है
पहला ब्रह्म, परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म के 40 वर्ष पूरे होते हैं 76 में। 76 में जब वो 40 वर्ष पूरे हुए तो कौन से युग की शूटिंग पूरी होती है? सतयुग। सतयुग तो 5000 वर्ष की सृष्टि के हिसाब से बच्चा है या नौजवान या बुढ़ा है, तो बच्चा बुद्धि की स्थिति समाप्त हुई। और बच्चा बड़ा होने लगता है तो थोड़ा सोच विचार करता है या नहीं, तो बताया कि अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। क्यों? 1969 में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस क्यों बताया? क्या 69 में राम वाली आत्मा में प्रवेश किया, महसूस किया? राम वाली आत्मा ने महसूस किया, महसूस किया 5 दिसंबर को क्यों महसूस किया? कोई कारण होना चाहिए, उसे पहले या बाद में क्यों नहीं? राम वाली आत्मा बेसिक ज्ञान में आएगी, बेसिकली ज्ञान को समझेगी, उसके बाद ही तो बीज रूप स्टेज बनेगी। जितनी जितनी बीज रूप स्टेज बनेगी उतना ही तो मंथन चलेगा, विस्तार को पौधा पाएगा। है बीज माने बिंदु रूप स्टेज, और बिंदु रूप स्टेज के लिए भी वो फाउंडेशन अव्यक्त स्टेज का डालने के लिए भी कुछ तो बीज को टाइम लगता है ना। माहौल चाहिए, ज्ञान का जल चाहिए, वो हवा चाहिए, गर्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं? स्थूल बीज में भी क्या चाहिए? है धरणी चाहिए, तो बुद्ध रूपी धरणी तो है, वो माहौल भी ब्राह्मणों का मिलता है। तो क्या 76 में मिलता है? उससे पहले वो माहौल नहीं मिला? एडवांस का बहुत है, एडवांस और बेसिक, बेसिक ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन मनन चिंतन मंथन की स्टेज प्रत्यक्ष हो जाए, वो मनन चिंतन मंथन दो आत्माओं का। कौन कौन सी दो आत्माएं? है बाप और दादा, मतलब पूजा पिता और शिव। तो मन 76 में दादा लेखराज वाली ब्रह्मा वाली आत्मा
जिसे चंद्रमा कहा जाता है, वो चंद्रमा वाली आत्मा राम वाली आत्मा के साथ प्रवेश होना आरंभ नहीं होती। अगर आरंभ नहीं होगी तो जैसे ब्रह्मा द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा पहले पत्ते के द्वारा सतयुग के शूटिंग की शुरुआत कही जाएगी है, सतयुग के फाउंडेशन की शुरुआत कब कहें है? 76 के बाद। क्यों? 47 से नहीं, 46-47 में जब कराची से भारत आए थे ना, उस समय की बात नहीं है। वो टाइम ऐसा टाइम है जब पुरानी दुनिया के बीच जहां खून की नदियां बह रही थी पाकिस्तान में, पुरानी दुनिया थी ना, और उस पुरानी दुनिया के बीच समंदर के किनारे सागर के किनारे किसी बंगले में ये 300-400 आत्माएं बड़े आराम से रह रही थी। मुसलमान लोग भी उनको खुदाई खिदमतगार समझते थे, उन पर कोई हमला नहीं हुआ। कभी सुना है? कोई हमला नहीं, बड़े आराम से रहे, पर उन्हें खबर भी नहीं पड़ी, अखबार ही नहीं आते थे, खबर भी नहीं पड़ी कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बाबा वही टाइम में पीयू का पानी हुआ है, पीयू का पानी वही टाइम में हुआ। हाँ, क्यों नहीं, पीयू की वाणी 47 में नहीं लेकिन 36-37 से लेकर के जब तक पीयू शरीर छोड़ता है तब तक। खून की नदियों का माहौल तो 46-47 से हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पीयू ने तो 4-5 साल 6 साल पहले शरीर ही छोड़ दिया था। हाँ, तो फाउंडेशन नई दुनिया की शूटिंग का कब से पड़ गया बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में है? 46-47 से नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया ना। तब से लेकर के सतयुग अंत तक की शूटिंग का टाइम कौन सा हुआ? 76, क्योंकि 73 की जो मैगजीन है ज्ञानामृत पत्रिका, उसमें ये समाचार दिया गया कि 73 में जो मेला हुआ था रामलीला ग्राउंड दिल्ली में पहला, तब तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने संदेश लिया। क्या? कितनी आत्माओं ने? 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने संदेश लिया। उसके बाद मेलों की झड़ी लग गई शहर शहर में, क्योंकि दिल्ली को सब फॉलो करते हैं। तो क्या 73 से लेकर के 76 तक 1 करोड़ और आत्माओं को उन मेलों के द्वारा जहां ढेर के ढेर आने लगे संदेश नहीं मिला?
और सतयुग के अंत की आबादी कितनी होती है? 2 करोड़ को संदेश मिल गया, तो कौन से युग की शूटिंग हो गई? हैं? सतयुग की शूटिंग हो गई। निमित्त कौन बना? चक्र के चित्र में फोटो किसके लगे हुए? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की शूटिंग में फोटो लगे हुए हैं। वो तो संगम युग के सूचित करने वाले जो कांटे हैं उनके बीच में मम्मा बाबा को दिखाया गया। संगम युग के कांटों के बीच, उसके बाद तो सतयुग शुरू होता है ना, तो सतयुग में सथिया के चित्र में, क्या स्वास्तिका के चित्र में जो 4 हिस्से किए हैं चक्र के, उनमें पहले चक्र का पहले हिस्से का नाम सतयुग, उसमें किन के चित्र दिखाए हैं? लक्ष्मीनारायण के चित्र दिखाए, ध्यान से देखा ही नहीं, राधा कृष्ण के चित्र दिखाए। तो सतयुग में पहला पत्ता कौन होता है? राधा कृष्ण हुए ना, तो सतयुग की शूटिंग किसके द्वारा होती है? कौन निमित्त बनते हैं फिर? ब्रह्मा बलिया छोटा, हाँ, जिनके चित्र दिखाए गए हैं वो ही तो ये चित्र साक्षात्कार से बाबा ने बनवाए ना, तो चित्र जो डलवाए हैं बाबा ही नहीं डलवाए ना, तो झूठे थे। तो निमित्त कौन हुए सतयुग की शूटिंग के? हैं? कौन चित्र किसके? चित्र तो है राधा कृष्ण का। फिर राधा कृष्ण छोटी मम्मी का पार्ट है कि उनकी अम्मा का पार्ट है? तो तुमने उनको कैसे बता दिया उनका चित्र है? हाँ, जगदम्बा और सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती और दादा लेखराज ब्रह्मा, वो आत्मा सतयुग में जाके राधा कृष्ण बंदी है, उन्हीं के चित्र। तो सतयुग त्रेता में वो निमित्त बन गए सतयुग की शूटिंग कराने के, क्योंकि वो संगम युग में देवताओं का जो मुख्य गुण है वो कौन सा है? सहनशीलता। वो धारण करके दिखाया कि नहीं? किसने? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा कि शंकर की मूर्ति है यादगार जो सहनशीलता का आगार है, कोई कहेगा? अगर सहनशीलता का आगार हो सारी दुनिया का विनाश क्यों कराएगी? फिर तो सहन कर ले। तो साबित हुआ कि दादा लेखराज ब्रह्मा, ओम राधे सरस्वती, ये निमित्त बन गए सतयुग की शूटिंग के प्रैक्टिकल में। उसके बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग में कौन सा धर्म, कौन सा कुल आता है? क्षत्रिय धर्म, चंद्रवंश। चंद्रवंश जो है कितने कला संपूर्ण है? 14 कला संपूर्ण। वहां से चंद्रमा का युग शुरू होता है कि सतयुग के आदि से ही चंद्रमा का युग शुरू हो गया है?
सत्यु की आदि से ही तो चंद्रमा षष्ठी रूपी रंगमंच पर विशेष कार्य कर रहा है। तो जो त्रेता वाली आत्माएं हैं वो किसकी औलाद हुई? नहीं, सत्यु के आदि में पहला पत्ता राधा कृष्ण, तो सत्यु के आठों जन्मों में वो आत्मा ऊंची स्टेज में ही रहेगी, राजा ही बनती रहेगी या नीचे गिरती जाएगी? नीचे गिरती जाती है। कहां तक नीचे गिरती होगी? है 14.25 कला। और पद क्या पाती होगी? है राजकुमार। सत्यु के आदि राजकुमार राधा कृष्ण, बड़े होकर नारायण, उनका बच्चा राजकुमार। किसका राजकुमार? आठवें नारायण का। आठवें नारायण का राजकुमार तो प्रजावृत्ति में चला जाएगा, क्योंकि मुरली में बोला है जो आखिरी नारायण होता है उसके ऊपर इतना बोझ चढ़ जाता है कर्जे का कि उनकी सारी राजाई हर राम वाली आत्मा ले लेती है। माने राम वाली आत्मा का बाप बड़ा साहूकार रहा होगा, उसने लोन दिया किसको? राजाई चलाने के लिए। किसको? आठवें नारायण को। वो आठवां नारायण की राजाई सारी डूब गई लोन में, तो राजाई किसको मिलेगी? जरूर है, उसी मोटा साहूकार का जो बच्चा होगा उसको मिलेगी। तो वो मोटा साहूकार आठवें जन्म में कौन हुआ होगा? हैं? हाँ हाँ, कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा जो पहला पत्ता है वो ही आखिरी जन्म में क्या बन जाता है? साहूकार बड़ा बन जाता है। उसका बच्चा राम वाली आत्मा बन जाती। किसी जन्म में मैं तेरा बाप, किसी जन्म में तू मेरा बाप। संगम में शूटिंग होती कि नहीं? कैसे? ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा का बाप। राम वाली आत्मा बेसिक में आएगी तो बेसिक ब्राह्मणों में आने के बाद किसको अपना बाप मानेगी? ब्रह्मा बाबा को बाप मानेगी। फिर जब एडवांस में आ जाती है राम वाली आत्मा तो वो बच्चा बुद्धि होने के कारण राम वाली आत्मा की बात तो मानती नहीं। आखिरी चंद्रवंश और सूर्यवंश में झगड़ा होता है तो फिर जीतेगा कौन? चंद्रवंश जीतेगा, सूर्यवंशी ही जीतता है। तब क्या होता है? ब्रह्मा वाली आत्मा हनुमान वाली आत्मा राम वाली आत्मा को अपना मालिक मान लेती है कि नहीं? बच्चे का मालिक बाप होता है ना। तो 76 के बाद से ये साबित हो जाता है कि जो नरसे नारायण बनने वाले हैं, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, वो प्रत्यक्ष हुए। और सतयुग में उनके बच्चे कौन बनेंगे? राधा कृष्ण बनते। तो कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप, ये चक्र चलता रहता है। जैसा सतयुग त्रेता में होता है लगभग वैसा ही द्वापर कलयुग में भी चलता रहता है। इसलिए आता है
हनुमान चालीसा में एक पद पड़ा होगा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या चारों युगों में तुम्हारा ही प्रताप है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अव्यक्त मिलन है साकार शरीरधारियों में, मनुष्य आत्माओं में, जो भोगी आत्माएं हैं, अभोक्ता तो एक ही शिव है, अक्षर एक ही है, बाकी सब क्षर हैं, क्षरित होने वाले, पतित होने वाले। तो क्षरित होने वाली आत्माएं भोगी आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं में अव्वल नंबर कौन है? जो अव्वल नंबर में भोगी बनता है द्वापर त्रेता के अंत से, और संगम युग में जब बाप आते हैं तो अव्वल नंबर में अभोक्ता बनता है। दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा तो मनन चिंतन ही नहीं कर पाती, साकार में आए हुए बाप को पहचान पाती? सन 36-37 में पहचाना? नहीं पहचाना। 76 में भी नहीं पहचाना। तो कौन सी दो आत्माओं के मिलन की बात है? जो अव्यक्त मिलन मनाती हैं पहली बार इस दुनिया में, है? शिव बाप और शिव बाबा। शिव तो वो है, एक ही आत्मा का नाम है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा, राम वाली आत्मा और शिव वाली आत्मा। ये पहली बार अव्यक्त कब हुए जो मिलन मनाते हैं? है? पांच दिसंबर बताया। शिव तो अव्यक्त है ही ऑलरेडी, हमेशा ही है, लेकिन दो का पूरा मिलन तभी होता है जब दोनों एक जैसे हों। है? एक चीटी जैसा शरीर और एक हाथी जैसा शरीर, और कहे कि संपूर्ण मिलन मनाएंगे, हमारी शादी कर दो, चलेगा? ये तो नहीं चल सकता। तो शिव है सुप्रीम सोल, सूक्ष्म आत्मा, सदाकाल, और राम वाली आत्मा कलयुग के अंत में आकर के दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा सांडा बन जाता है, बड़े ते बड़ा पतित बन जाता है, बड़े ते बड़ा व्यक्त रूप में आने वाला बनता है या नहीं बनता है? क्योंकि मुरली में आया है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? कौन बोला? राम वाली आत्मा को इमर्ज करके शिव बाप बोले, मुरली में ब्रह्मा के मुख से द्वारे बोले, तो ब्रह्मा के लिए तो ये बात लागू नहीं होती कि वो कलयुग के अंत में आकर के बड़े से बड़ा सांडा बनती है, देह अभिमानी बनती है? कौन बनता है? ब्रह्मा कुमारियां भी ये बात स्वीकार नहीं करेंगी क्या कि दादा लेखराज ब्रह्मा इस दुनिया के बड़े से बड़े पतित और बड़े से बड़े सांडे थे, देह अभिमानी? तो था कौन? राम वाली आत्मा सबसे पतित बनती है। पतितम कामी कांटे में शिव बाप आते जब तक,
तो संगम युग तब तक, कब तक असली संगम युग? जब तक शिव बाप या शिव बाप का रूप, हाँ, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता है तब तक संगम युग। तो ज्यादा ज्यादा संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। कब पूरे होंगे? 36-37 में। 36-37 तक दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कोई न कोई जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी? रहेंगी। तो जो जीवित रहेंगी वो उस समय पतित आत्माओं के बीच में होंगी या कुछ पावन होंगी? पावन होंगी। हाँ, दुनिया की सबसे पतित लाइन में खड़ी हुई है। हाँ, और उन पतितों के बीच में प्रजापिता वाली आत्मा जो झाड़ के ऊपर बैठी हुई है, वो भगवान के साकार रूप में प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? क्योंकि दुनिया की सदगति तो तभी होगी जब दुनिया भगवान को पहचानेगी। सर्व का सदगति दाता एक, तो जो सबका सदगति दाता है, सब 500-700 करोड़ के संग के रंग में आता है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसको पहचानती हैं, जो मुरली में भी बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा तो 69 में ही शरीर छोड़ गई 18 जनवरी को, उनसे तो मिलने की बात ही नहीं। तो कौन सी आत्मा पे ये बात लागू होती है? जो पतित आत्माओं से भी मिलती है, पतित से पतितम आत्माओं से मिलती है, जो बिल्कुल कलयुग के अंत में आती है और कीट पतंगों की तरह, जैसे कीट पतंगे रात में दिवाली पर दिखाई देते हैं और सवेरे को खत्म, ऐसों के संग के रंग में भी आती है और उनके साथ भी दोस्ती का हाथ मिलाती होगी या दुश्मनों की तरह मिलती होगी? दोस्ती का हाथ मिलाएगी तो कोई न कोई इंद्रियों से मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोस्त होता है तो उसको कम से कम आंखों से प्यार से देखते तो हैं, और दुश्मन होता है तो देखते ही गुस्सा आ जाता है। तो वो तो प्यार का सागर है, कौन? सुप्रीम सोल। आता किस में है? पतितम कामी कांटे में आता है। तो वो आत्माओं से भी सुप्रीम सोल अक्षर अभोक्ता का और भोक्ता वाली आत्मा, उन तीनों का मेल समझो, तो वो आत्माएं जो पतितम आत्माएं पतितम श्रेणी में खड़ी हुई हैं दुनिया की, वो समय सृष्टि में होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो ये अव्यक्त आत्माओं का जो संग के रंग से अव्यक्त बनती हैं, अव्यक्त आत्मा नहीं बनेंगी तो परमधाम जाएगी कोई है? नहीं जाएगी। परमधाम ले जाने वालों का चित्र दिखाया हुआ है, है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है,
सारी बिंदु बिंदु आत्माएं ऊपर जा रही है और निमित्त कौन दिखाया है? जो गाया जाता है शास्त्रों में, शंकर चाप जहाज, नानक चाप जहाज। चाप कहते हैं शरीर रूपी जहाज, जिसकी याद में दुनिया की सारी आत्माएं खिंची चली जाती है ऊंची स्टेज में। उसी की याद में क्यों? क्योंकि वो ही ऐसा एक शरीरधारी है जो निराकार की याद में इतना तल्लीन हो जाता है कि शिव समान बन जाता है निराकारी। इसलिए उसके शरीर को भी जो याद करते हैं तो भी पार चले जाते हैं जहाज को। नाम देते हैं चंद्रकांत वेदांत जहाज। उसको रामायण में नाम दिया है शिव का धनुष। धनुष कहो, चाप कहो, मुकर्रर रथ कहो, किसका रथ है? उसको आकुपाई किसने किया? शिव ने। तो शिव का धनुष हुआ ना। उस शिव के धनुष को राम वाली आत्मा ही क्रॉस कर देती है, तोड़ देती है, और कोई तोड़ नहीं पाया। हाँ, सीता के लिए कहते हैं कि सीता जब घर की लिपाई पुताई कर रही थी तो बाएं हाथ में धनुष को उठाई लिए, बामांग में। बाएं हाथ माने बामांग, स्त्री कौन सा अंग कही जाती है? बामांग कही जाती है। तो बामांग में उठाई लिया। अंगों में ऐसा अंग कौन सा है स्त्री का जो पुरुष को सबसे जास्ती आकर्षित कर लेता है? इतना आकर्षित करता है कि सारी जीवन याद आती है और अंत मते सो गते हो जाती है। क्या गति हो जाती है? अरे जीवन भर उस अंग की याद आती है, अंत में भी याद आती है, तो अंत मते सो गते उसी रूप का जन्म मिलता है। नहीं समझ में आया क्या? पुरुष को कौन सा जन्म मिलता है? नारी का जन्म मिलता है। तो उस बामांगी ने उठा लिया। उठा लिया माने आकर्षित कर लिया। कलयुग में पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी कौन है? स्त्री। तो राम वाली आत्मा जो इतना मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करती है, इतना बीज रूप स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ करती है, उस आत्मा का प्रभाव वाचा का या दृष्टि का या वाइब्रेशन का, दुनिया वालों की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्यों नहीं पूरा पड़ता है? जो साफ निश्चय बुद्धि हो जाएं सदा काल के लिए। अभी भी बेसिक वाले तो हैं या निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर, एडवांस वाले सब निश्चय बुद्धि सदा रहते हैं, है? नहीं रहते ना। तो दुनिया में मान्यता होती है कहीं? है
अरे अभी अभी की बात, वर्तमान की। ब्राह्मणों की दुनिया सर्वोपरि, ब्राह्मणों की दुनिया वाले ही भगवान की तरह उसे मान पाते हैं। मन पाते हैं कि निश्चय बुद्धि होते रहते, मरते रहते, जन्म मरण के चक्र में आते रहते ना। लेकिन जब वो बामंगी आती है, कौन है, छोटी माँ, तो सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर होती है या नहीं होती है? जिस टाइम के लिए बाबा ने इशारा दिया, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी सुने है उसकी बुद्धि में, दिल से बैठ जाए और सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाबा, मेरा बाप भगवान मुझे मिल गया। अब बताओ 76 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए? 40 76 भी नहीं, 36-37 से बताओ कितने साल हो गए? 80 साल होने आए, अभी तक भी किसी को निश्चय नहीं बैठ रहा है। तो बताओ उस धनुष रूपी चाप कहो, मुकर्रर रथ कहो, दुनिया में उसको ऊंची स्टेज में कोई बुलंद कर सका? कर सका? नाम वाला कर सका? अरे नाम वाला तो तब करे जब खुद को पूरा निश्चय हो, पहचान हो जाए। कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, सबको कुछ न कुछ अनिश्चय आता ही रहता है। तो कौन सी आत्मनिमित्त बनती है? जो संसार की आंखों में उसे ऊंचा उठा देती है, लक्ष्मी। जो हमारे देश में आज भी गायन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? तो कौन से कपड़े की बात है? है शरीर ही कपड़ा है, तीन कपड़े हैं, झंडे में तीन कपड़े दिखाए जाते हैं त्रिमूर्ति की यादगार, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। और सबसे बुलंद कौन सा कपड़ा दिखाते हैं? सबसे ज्यादा ऊंचा शंकर की क्रांति का सूचक लाल झंडा, खूनी क्रांति करा देता सारी दुनिया में, कराता कि नहीं? 500-700 करोड़ सांप खूनी क्रांति में खलास होते हैं या रह जाते हैं? सांप खलास हो जाते हैं। तो देखो वो झंडा का कपड़ा कहो, चाप कहो, जहाज कहो, धनुष कहो, उसको ऊंची स्टेज में दुनिया में कौन उठाने का निमित्त बनता है? लक्ष्मी वाली आत्मा निमित्त बनती है। जिसने बाएं हाथ में बाम अंग में उसे ऊंची स्टेज में उठा लिया, धरणी से परे कर दिया, धरणी माने देह रूपी धरणी। पुरुषों की बुद्धि जहां देह में धरी रहती है तो देहधारी कहेंगे, देह से न्यारा कहेंगे, देहधारी कहेंगे। तो बताया कि वो अव्यक्त मिलन, वो अव्यक्त स्टेज कब होती है? पहली बार जो आज के दिन के रूप में 5 दिसंबर के रूप में बाप दादा याद कर रहे हैं। कौन सा दिन? 1976। कौन सा दिन, कौन से क्षण में? 76 में, 76 में 5 दिसंबर को अव्यक्त बना, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आया परम ब्रह्म, उससे पहले कभी नहीं है। उससे पहले कब? हाँ 69 से जब से बेसिक नॉलेज मिली कि मैं आत्मा देह नहीं हूं, उससे पहले सब मनुष्य क्या समझते हैं? अपन को देह समझते हैं।
जिस दिन पहचान मिली बेसिक नॉलेज में, पहले दिन की शिक्षा क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और दूसरे दिन की शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु और उसका बाप ज्योति बिंदु शिव, मिलती है ना। और इन दोनों आत्माओं का कनेक्शन इस सृष्टि चक्र से क्या है? चार युगों में पहचान मिलती है ना। तो जब सृष्टि चक्र से कनेक्शन हो जाता है आत्मा का और परमात्मा की याद भी आने लगती है, तो अव्यक्त स्टेज शुरू होगी या नहीं होगी? है अपन को बिंदु या बिंदु के रूप में देखने, और बिंदु रूप में देखने के बाद परमपिता परमात्मा शिव को भी बिंदु रूप में देखने और उससे मिलने की अनुभूति आत्मा करेगी या नहीं करेगी? प्रैक्टिस शुरू होगी या नहीं होगी? और जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी, आत्मा को बिंदु रूप बीज में टिकने की, और वो आत्मा जो बिंदु रूप में टिकने की अभ्यासी होती जा रही है, वो जितना जितना ब्राह्मणों के माहौल में संग के रंग में आएगी, आएगी कि नहीं? माहौल मिलेगा कि दुनिया का माहौल मिला है? ब्राह्मणों का माहौल मिला, और ब्राह्मणों में सब एक जैसे ब्राह्मण हैं कि देह अभिमानी सांडे भी हैं? है उन देहधारी देह के रूप में जो मिट्टी के रूप में हैं धरणी, उन धरणियों का भी संग का रंग आता है या नहीं आता है? है तो बीज को क्या चाहिए? माहौल चाहिए, धरणी रूपी मिट्टी चाहिए, है। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो हवा चल रही है, है ज्ञान की हवा चलती है ना, वो हवा भी मिल रही है। और शिव बाबा का डिस्टिल्ड वाटर जो ब्रह्मा के मुख से निकला, वो ज्ञान जल भी मिल रहा है। बीज को पौधा बनने के लिए ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं? ये सारी चीजें मिलना शुरू होती है। उस मनुष्यों के बीज रूप आत्मा को जिसमें शिव पहली बार प्रवेश करता है, पहली बार प्रवेश किया सन 36-37 में, वो बात फेल हो गई या पास हो गई? फेल हो गई। कारण उस समय पूरा ज्ञान षष्ठी चक्र का था ही नहीं। और 69 में चारों चित्रों का वो ज्ञान, जो ज्ञान उन चारों चित्रों में विस्तार से समाया हुआ है, पांचों चित्रों में, वो सारा ज्ञान मिला बेसिक में या नहीं मिला? तो बीज पौधे का रूप धारण करेगा या नहीं करेगा? पहले पहले कितने पत्ते निकलते हैं? दो पत्ते निकलते हैं। तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पष्ट कर दिया, दादा लेखराज ब्रह्मा जो द्वापर में राजा विक्रमादित्य बनता है, वो सन 66 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना की शूटिंग करता है। कहां?
माउंट आबू में सोमनाथ मंदिर स्थापन होता है। माउंट आबू में तो सागर काम कर रहा था माता के रूप में, हाँ, कंठे पर। सागर के बिल्कुल नजदीक का सेंटर उस समय कौन सा था? वो सेंटर जो ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू की संपत्ति से खोला था। विक्रमादित्य की आत्मा ने सारी संपत्ति राज परिवार की लगा करके वो सेंटर खोला था। कौन सा? पालड़ी सेवा केंद्र। उसके लिए बोला है सोमनाथ मंदिर, साबित हो गया। फिर बोला सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी ना, कि अकेला होगा है? तो दोनों आत्माएं चाहिए, दोनों ही आत्माएं वहीं से प्रत्यक्ष होती है। संगम युगी कृष्ण और संगम युगी राधा। तो बाद में गए, वो पता लगाना कि छोटी माँ कौन से सेंटर से बेसिक ज्ञान लिया और कहाँ सरेंडर हुई पहले बार। तो नेहरू भी सरेंडर हुई थी क्या? है पालड़ी सेवा केंद्र की बात। तो सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी, माना वो जो निर्जीव पिंड हैं शरीर रूपी वो पहले होते हैं या उनमें आत्मा भी प्रवेश कर जाती है पहले ही? पहले निर्जीव पिंड होते हैं, बाद में आत्मा प्रवेश करती है। तो भक्ति मार्ग में तो यही गायन है कि राधा 3-4 साल बड़ी थी और कृष्ण छोटा था। 66 में चारों चित्र नहीं आए थे शुरुआत में, पहले झाड़ का चित्र और त्रिमूर्ति गोले का चित्र था शुरुआत से। 66 से लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र आया, चारों चित्र हो गए तैयार। और उनकी समझाने भी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद, 66 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, वो समझाने भी कंप्लीट हो गई 3-4 साल में। सारा ज्ञान बेसिक में तैयार होने के बाद बाबा ने 18 जनवरी 1969 में शरीर छोड़ दिया। संसार रूपी जंगल में शेर अकेला होगा, कंट्रोल करेगा जंगल को, या कई शेर कंट्रोल करते हैं? है? एक शेर कंट्रोल करता है। तो हमारे यहाँ 3 शेरों की लाट दिखाई जाती है, अशोक का चिक लाट, नोटों पर भी 3 शेर का चित्र दिखाया जाता है, वो ही त्रिमूर्ति की यादगार। उनमें पहला शेर कौन हुआ 18 जनवरी तक शरीर छोड़ा? दादा लेखराज ब्रह्मा। उनके शरीर छोड़ने के बाद जंगल खाली रह जाएगा क्या? है ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दूसरा शेर आएगा या नहीं आएगा? आता है। तो वो दूसरी मूर्ति ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना के बाद दूसरी मूर्ति की शुरुआत होती है, शंकर द्वारा विनाश। तो वो आत्मा बेसिक नॉलेज में पूरा समझेगी, उसके लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? तो 69 से लेकर के 76 तक का जो टाइम है, हाँ, और 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया गया, ये 9 साल लगे। बच्चा भी तैयार होता है
तो कितने महीने लगते हैं? नौ महीने लगते हैं। तो जो बीज धरणी के अंदर डाला जाता है वो फिर बाहर आता है, पौधे रूप में बाहर आता है ना, और बाबा ने भी घोषणा कर दी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो ये जो लक्ष्मी नारायण जिनकी तरफ इशारा किया वो लक्ष्मी नारायण बन के ही पैदा होते हैं, या लक्ष्मी नारायण बनने से पहले राधा कृष्ण बच्चे के रूप में होते हैं? है? राधा कृष्ण बच्चों के रूप में होते हैं। तो चंद्रवंशी राधा और सूर्यवंशी कृष्ण। सूर्यवंशी क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान सूर्य शिव की मुरलियों को ही फॉलो करता है, किसी देहधारी को फॉलो, दीदी दादी दादा कोई को फॉलो नहीं करता, जो मुरली में बाबा ने बोला। शिव बाबा ने क्या बोला है मालूम? कोई मम्मा के मुरीद ओम राधे मम्मा के, कोई बाबा के मुरीद दादा लेखराज ब्रह्मा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो जब ये मुरली में बोला उस समय तक तो ऐसी स्थिति हुई होगी ना, तब तो बाबा की वाणी ने सच्चाई सच्चाई बोल दी। बाकी ये स्थिति क्या हमेशा रहती है? 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में कोई तो आत्मा होगी जो शिव के निराकारी बिंदु रूप को भगवान के रूप में स्वीकार कर ले तहे दिल तक। कोई होगी या नहीं होगी? तो वो आत्मा को चुनता कौन है? है? उस आत्मा को नई दुनिया तैयार करने के लिए कौन चुनता है? है? शिव चुनता है। इसलिए मुरली में बोला है कि शिव बाप तेरे ऊपर आशिक बन करके आते हैं। क्या? शिव बाप तेरे ऊपर आशिक होकर आते हैं। तो जिसके ऊपर आशिक होते होकर आते हैं वो कौन हुआ? मासूक हो गया। आशिक मासूक के पीछे दौड़ता है या मासूक आशिक के पीछे दौड़ता है? हैं? दुनिया में मोस्टली आशिक होते हैं पुरुष और मासूका होती है स्त्री या कन्या। जास्ती देखा जाता है दुनिया में कौन किसके पीछे दौड़ता है? हैं? जो आशिक होते हैं उनको मासूक के ऊपर पीछे दौड़ना पड़ता है। तो शिव परम धाम से दौड़ के आया आत्मा सुप्रीम सोल किसकी याद में आया? रामवाली आत्मा की याद में आया ना? है? उसी की याद में क्यों आया? अरे 500-700 करोड़ और भी तो आत्माएं थी, ब्रह्मा और विष्णु भी तो त्रिमूर्ति में हैं, उनके पीछे क्यों नहीं? सृष्टि का आदि बीच है, आदि बीच है, इतना काम कोई कर नहीं सकता। ओहो, आदि तो तब है जब सुप्रीम सोल भगवान ने उसको आदि में पकड़ा। लेकिन वो जानता है धर्मानुसार उसी में आना है। क्या जानता है उसके बारे में? ऐसी क्या खास बात है जो उसके बारे में जानता है और उस बात को पकड़ करके आता है? हैं? पतितन है जिसका नाम शिव के साथ जुड़ा जाता है। जिसके साथ शिव का नाम? अरे पता कैसे चले कि कौन शंकर वाली आत्मा है जिसका नाम
मेरे साथ जोड़ा जाता है शिव के साथ। है सुप्रीम सोल जो बाप है उनके 21 शरीर है, वो हीरो पार्ट क्यों है? दूसरे क्यों नहीं हीरो पार्ट? दूसरों को हीरो पार्ट बना दो, जिसको पार्ट दोगे वो हीरो बन जाएगा। मतलब वो कोई बात नहीं, कारण चाहिए हर बाप का। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना कारण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हैं? एक आदमी बोलो। ऊपर वाले ने पहचाना कि आया, हाँ वो पहचाना वहाँ और आया भागा पीछे के अंदर में पुलिस, क्या वो पहचाना कि आया? तो अगर नीचे वाले ने पहचाना पहले तो वो आशिक हुआ कि माशूक हुआ? किसने किसको याद किया? किसकी बुद्धि किसके पीछे भागी? आशिक की बुद्धि भागती है, तो नीचे वाला आशिक है। मुरली में तो बोला मैं आशिक बनता हूँ तुम्हारा है। एक सेकंड भी काम नहीं होता है, पुरानी चुराती जम देते हैं। कौन? रामबा। वो पता कैसे चला उसको कि 500 700 करोड़ दुनिया में यही आत्मा है 84 जन्म लेती है? सबसे दुखी नहीं होता है, वो पूर्व कल की बात को याद करता है। नहीं, कोई गुण है जो गुण वो किसी में इस दुनिया में नहीं देखता। माने लक्ष्मी 100% सरेंडर नहीं होती है ज्ञान में आने के बाद। याद में सबसे कोई कर नहीं सकते, बड़ा से बड़ा काम पहचान की गुण। अरे एक आदमी बोलो ना, तीन तीन बोलते हैं ना, सब बेकार है ना कुछ। पहचान की गुण है, वो पहचानता है। बिंदी 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 सब आत्मा कैसे पहचानेगा? वो आत्मा को देखता है कि शरीर को देखता है, फिर कैसे पहचानेगा? आत्मा के गुण देखे जा सकते हैं कि जन्म जन्मांतर इस आत्मा में ये विशेष गुण रहा है, तो वो गुण कौन सा है? हाँ, कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई है, त्रिकालदर्शी। तो वो इस सृष्टि पर आकर के माना जाएगा कि वहां बैठे बैठे जाना जाएगा। हाँ, फिर एक व्यक्ति ने बात बताई कि उसकी सच्चाई है उस आत्मा में, अमोग वीरी, तो तब की बात है जब याद में टिकते 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 जो शरीर का सारा सत्व है, जो सच्चाई है वीर्य, वो ऊपर चढ़े। इस शरीर की सबसे मुख्य पावर कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे मुख्य पावर कौन सी है? वीर ही तो सबसे मुख्य पावर है। जो बिंदु है, अणु है, वो ही अणु जिससे लाल पैदा होता है, तो वो प्रक्रिया का पता हो कि वो प्रक्रिया कैसे अपनाई जाए कि वहां पर उसको याद किया जाए, उस अणुरूप सत्व को याद करेंगे तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऋषि मुनि महात्मा लोग कहते आए कि कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और कुंडलनी शक्ति कमर में से उठ करके ऊपर मस्तक में आ जाती है, तब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और आत्मा संपूर्ण बनती है। आज तक न किसी की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई किसी ने देखी, न किसी की आत्मा संपन्न हुई। ये तो भगवान बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के ऊर्ध्वरेता सिखाना सिखाता है कि वो सत्व पुरुष के अंदर जो है वो सत्व कैसे ऊपर की ओर जाए।
तो बताता है कि तुम अपन को इस सारे शरीर का राजा आत्मा समझो। इस शरीर रूपी रथ में इसका राजा रथी कौन है? आत्मा। वो राजा यहां ऊंचे से ऊंचे उत्तम अंग गद्दी पे बैठता ना राजा, उत्तम अंग में बैठ करके सारे शरीर के राज्य को कंट्रोल करता है। तो हमने याद करना शुरू किया है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है, अणु से भी अणु रूप, सितारा स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और हम आत्माओं का बाप वो परमपिता परमात्मा है। उस स्टेज में टिकना शुरू किया ना, याद करना शुरू किया ऊंचे ते ऊंचे को, तभी तो हमारी बीज रूप स्टेज बनती है कि नहीं। जैसे को याद करेंगे वैसे ही हमारी बुद्धि बनेगी ना। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को ये प्रैक्टिस बताई कि तुम बिंदु बनो, बिंदु बनने में मेहनत है या बिंदु का विस्तार होने में मेहनत है? जो बिंदु बनने में मेहनत है, ऊपर चढ़ना होता है, और जो ऊपर वाला फल है, जो वृक्ष से अपने को सबसे पहले डिटैच करता है बीज, वो बीज जब वृक्ष से डिटैच हो गया फिर धरणी में घुसा तो नीचे गिर गया ना। अब वही बीज जो नीचे पड़ा हुआ है वो अपने को खाक में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, मिलाता है कि नहीं, तब वो सरसब्ज पौधा बन के तैयार होता है, विस्तार को जाता है। तो यहां भी बाबा यही युक्ति बताते हैं, क्या क्या करना है? बिंदी नहीं, बिंदी आत्मा को करना क्या है? यही करना है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो दाना बीज है वो अपने को खाक बना दे। बाबा ने भी चैलेंज दिया अव्यक्त वाणी में, अब देखेंगे कि राख कौन बनते हैं? क्या? खाक, राख, एक ही बात है ना। खाक कौन बनते हैं, राख कौन बनते हैं, और कितने बनते हैं? नंबर वार ये चैलेंज दिया ये बाबा को, ये रिजल्ट देखना है, और उसका टाइम भी बता दिया। क्या टाइम बताया है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में आत्मा को कम से कम 40 वर्ष लगते हैं। तो मनुष्य सृष्टि रूपी बीज, जो पहला मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा? है 40 वर्ष लगता है, 76 से लेकर है 40 साल का पूरे होते हैं 2017-18 में। तब वो बीज जो है वो नई दुनिया का वृक्ष बन करके बढ़ना शुरू होता है। नई दुनिया का फाउंडेशन दिखाई पड़ता है। तो करना क्या है कि आत्मा बीज रूप बने, बिंदु की स्टेज में टिके, और फिर वो अपने को खाक में मिला दे। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जो भी तन है, तन की ताकत है, क्या
ऐसे नहीं, हम पूरे अर्पण हो गए और डर रहे हैं। अरे इतना मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा तो शरीर ही बर्बाद हो जाएगा। या कन्याएं सोचे सरेंडर हुई, अरे बाबा ने तो ऐसी बात बोल दी, तन भी सारा का सारा अर्पण करना पड़े, शरीर भी पूरा अर्पण करना पड़े। पूरा अर्पण करना पड़े माने कोई भी अंग ऐसा ना रह जाए जो अर्पण किए बगैर रह जाए। ऐसे नहीं कान अर्पण कर दिया, हम बाबा की बातें सुनेंगे और दुनिया में किसी की बातें नहीं सुनेंगे, उससे काम चल जाएगा, संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे? नहीं। कान अर्पण करेंगे, नाक अर्पण नहीं करेंगे। नाक कान आंखें सब अर्पण करेंगे, मुंह अर्पण नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे। तो संपूर्ण अर्पण हुए है? माने जितने भी अंग हैं, जो भी इंद्रियां हैं, सब अर्पण करनी पड़े, तब कहेंगे तन पूरा अर्पण किया। उसमें भी एक और पख लगा दी, क्या नहीं याद आया है? शरीर बल कैसा भी हो जाए, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या शरीर बुढ़ा हो जाए, लुंजुम पुंजुम हो जाए, बुड्ढों का शरीर जयीफ हो जाता है ना, इंद्रियां काम करती हैं? नहीं काम करती। तो भी हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत नाक आंख कान न्यो इंद्रियां करेंगी, आत्मा करेगी, आत्मा करवाएगी। करने वाली कौन है? आत्मा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, आत्मा बनने वाले बच्चे हिम्मत करेंगे और बाप उनको उसी शरीर से, लुंजुम पुंजुम शरीर से मेहनत करवाएगा। तो तन अर्पण हो गया, हुआ कि नहीं है? तन अर्पण हुआ। ऐसे ही धन, क्या अब ऐसे नहीं के हमारे पास 50,000 हमने कमाया जिंदगी में, 10,000 हम अपनी सेवा के लिए रख लें, तन की परवरिश के लिए 40,000 यज्ञ में अर्पण कर दिया, तो संपूर्ण समर्पण कहेंगे है? 10,000 जो रख लिया वो अपनी अकल से रख लिया कि बाबा के अनुसार अर्पण किया, संपूर्ण समर्पण है? अपनी अकल से रख लिया कि ये 10,000 है वो हमारे शरीर की परवरिश में काम आएगा। अरे बाबा ने तो कहा है दुनिया भूख मरेगी लेकिन मेरे सर्व से उल बच्चे भूख नहीं मर सकते, अकाल पड़े, दुकाल पड़े, कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों को भरपूर भरपेट खाना जरूर मिलेगा। कौन से मेरे बच्चे है? कैसे पता चल ये आत्मिक स्टेज वाला है या नहीं? आत्मिक स्टेज वाले की पहचान क्या दिखाई पड़ेगी है? हाँ, जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, क्या धंधा है? ईश्वरीय धंधा है। ऐसा ओबीडिएंट सर्वेंट है कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको याद करता है, तो उनकी खास बात क्या देखी?
उन बच्चों में क्या खास बात देखी? मन धन सब कुछ और कुछ वो ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहेंगे। उनके दो ही धंधे, याद और सेवा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सेवा होगी। आत्मिक स्थिति के बजाय देवान में आए और देवान में आकर के ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान सुनाने गए और तू तड़ाक करके बातें करना शुरू कर दिया, उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। तो आत्मा बन के ज्ञान सुनाया या देह अभिमानी सांडा बन के ज्ञान सुनाया? ऐसे बच्चों के लिए नहीं बोला। कैसे सर्विसेबल? आत्मा अभिमानी सर्विसेबल, आत्मा बन के सेवा करें, ऐसे सेवादारी। ये कोड ही है, ये बुड्ढा है, सुबह से शाम तक खुल खुल करता रहता है, थूकता रहता है। ये बीमार है, चारपाई पे पड़े पड़े लैटरिन कर रहा है। ये काम हम नहीं कर सकते। अरे यज्ञ में कभी नौजवान था तब उसने सेवा की थी ना, तन धन लगा के, मन लगा के। अभी उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब बाहर आ गया और वो चारपाई पर पड़ गया या बुड्ढा हो गया। तो सरेंडर हैंड्स जो अपन को समझते हैं उनको सेवा करने के लिए मना कर देना चाहिए। अगर मना कर दिया तो क्या होगा? मना कर दिया तो क्या होगा? नहीं हो गया, शरीर को देखा, शरीर को देखा उसे। सरेंडर हुआ या नहीं हुआ? है सरेंडर हुआ या नॉन सरेंडर हुआ? नॉन सरेंडर हो गया, बाप का बच्चा नहीं। जो बाप के बच्चे हैं वो तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होंगे। षष्ठी की पहली पीढ़ी के बच्चे होंगे तो सारी षष्ठी के सारे ही 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ बच्चे होंगे या बीच की अंत की कैटेगरी के होंगे? हैं? हाँ, तो खाक बनने का ये अर्थ हुआ। तन से, मन से, धन से, समय से, ये नहीं भाई ईश्वरीय सेवा लटकी पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, हमें बात समझाओ, हमें कोर्स कराओ, हमें संदेश दो, और हम ताला बंद करके सेंटर का सो गए आराम। अरे भाई दोपहर में हम सोते हैं, रात में हम सोते हैं, हम 8 घंटे सोएंगे नहीं तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो स्वार्थ देखा या परमार्थ ईश्वरीय सेवा देखी? स्वार्थ देखा। तो सरेंडर की लिस्ट में हुए और नॉन सरेंडर हो गए। जो नॉन सरेंडर हैं वो फिर 16,000 के राज परिवार में आएंगे? 16,000 के राज परिवार में वो ही आकर के राजयोग सीखने वाले आएंगे जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होंगे? नहीं तो 16,000 के राज परिवार में नहीं आएंगे। चलो महाराजा नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, रानी नहीं बनेंगे, राज्याधिकारी नहीं बनेंगे, महामात्य या सेनापति नहीं बनेंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं बनेंगे, राजा रानी के दास दासी भी नहीं बनेंगे नजदीक रहने वाले। प्रजा में चले जाएंगे। तो क्या हम यहाँ प्रजा योग सीखने आए हैं? हम तो राजयोग सीखने आए हैं ना। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का,
जो मुख्य ड्राइवर है उससे तुम्हारा मेल हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो तुम बड़े से बड़े काम करवा सकते हो कि नहीं है? करा सकते ना? तो देखो उसकी भी वैल्यू है कि नहीं। वो अगर नाराज हो जाए और तुम पुलिस में डीएसपी क्यों ना हो, तो उतरवा देगा कि नहीं है? उतरवा देगा। डरेंगे कि नहीं? तो वो भी राज परिवार का सदस्य हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। दुर्योधन को कोई पदवी नहीं मिली हुई थी, मिली थी अपने आप को कोषाध्यक्ष बन गया और पैसा लुटाने लगा। तो देखो उसकी मान्यता उस कौरव संप्रदाय में धृतराष्ट्र और धार्तराष्ट्र से कम थी क्या? है? तो ऐसा नहीं है कि राज परिवार में छोटे से छोटा पदधारी है, कोई दास दासी भी है तो उसका भी महत्व होता है, मर्तबा होता है या नहीं होता है? राज परिवार के लोग जो हैं राजा महाराजा से आसानी से मिल सकेंगे या प्रजा वर्ग के लोग आसानी से मिल सकेंगे? तो महत्व हुआ ना, इसलिए बाबा ने ये बताया कि जो सरेंडर्ड होते हैं नंबर वार वो राज परिवार में आते हैं। अब सरेंडर ऐसे भी नहीं कि सरेंडर हो करके कागज पे लिख करके आ करके कंधे पे चढ़ के बैठ गए, ऑर्डर चलाने लगे, उनको सरेंडर कहेंगे हैं? नहीं, सरेंडर हुए तो ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, ऑर्डर पर चलने का हक है या ऑर्डर चलाने का हक मिल गया है? हाँ, और कागज पे तो सरेंडर हो गए। धन की जो प्रॉपर्टी है, कन्याओं का धन होता है कि नहीं? आजकल तो सरकार ने नियम बना दिया बराबरी का हिस्सा मिलेगा कि नहीं है परिवार में, तो सरेंडर तो हो गए लेकिन अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम लिख दी, तो धन से सरेंडर हुए? संपूर्ण सरेंडर कहेंगे? नहीं हुए। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा, जब अनिश्चय आएगा तो जहां हमने धन भाइयों के पास रख दिया है वो भाई लोग याद आते रहेंगे, वो धन याद आता रहेगा। इसलिए बताया कि दाना खाक में मिलकर तन से मन से धन से समय से संपर्क से संबंधियों से जो भी हमारे पास शक्तियां हैं इस जीवन में उन सब की शक्ति लगा करके हम राख बन जाएं, कुछ भी हमारा न रहे, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, तो क्या बन गए? राख बन गए। ऐसों के लिए चैलेंज दिया है कि राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, कौन कौन बनते हैं, वो बाबा देखेंगे। अभी देखने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया?
वाणी तो बोली थी जब बाबा ब्रह्मा बाबा जीवित थे, या ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया अव्यक्त वाणी चलाने लगे, तब की वाणी है। लेकिन लागू कब से होने लगी प्रैक्टिकल में? 76 से ही लागू होने लगी। दो तो प्रत्यक्ष हो गए, जो मेले के रिजल्ट में अव्यक्त वाणी चली। ये स्थूल मेले के चित्रों की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी, और बाप दादा चैतन्य चित्रों की सजावट का इनाम देंगे। तो 76-77 में प्रत्यक्ष हो गए। कौन है वो ही तीन चित्र, लक्ष्मी नारायण और जगदम्बा? तीनों चित्र प्रत्यक्ष हुए या नहीं? मेले का इनाम मिला या नहीं है? मिला। वो तो चित्रों की बात हुई, अभी फाइनल पेपर बाकी है कि नहीं, तो उसमें देखेंगे कि राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे राख? 4.5 लाख राख बनेंगे है? जब मुर्दों को जलाया जाता है, देवान रूपी मुर्दों को जलाया जाता है, तो क्या जरूरी है उनकी खोपड़ी उनकी हड्डियां सब जल जाती हैं? है? सब जल जाती हैं? मुर्दे नंबर वार जलते हैं कि सब जल के राख हो जाते हैं? नंबर वार जलते हैं। कोई कोई तो बहुत हड्डियां रह जाती हैं, फिर वो हड्डियां ले जाकर के कहां डालते हैं? नदी में, पानी में, सामान्य पानी में नहीं, हाँ, गंदे कचड़े के गड्ढे में नहीं डाल देते हैं, नदी में डालते हैं। जो नदी सागर से जाके मिलके एक हो जाती है, वो नदी की अधीनता में आ जाते हैं अनेक जन्मों के लिए। तो राख एक जैसे नहीं बनेंगे, कोई तो पूरे 100% राख बनते हैं, वो पक्के 100% आत्मा हुए ना। जो हुआ आत्मा पहले नंबर में 100% राख बनकर के आत्मा बना, तो उसका नाम बाप शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या नाम पड़ता है? शिव शंकर। शंकर शिव क्यों नहीं? हाँ, आत्माओं का बाप पहले और उसका अव्वल नंबर बच्चा बाद में। तो शिव शंकर भोलेनाथ नाम पड़ता है, उसमें एक है साकार और एक है निराकार, दोनों का मेल होता है तब वो सच्चा भगवान इस संसार में प्रत्यक्ष हुआ कहा जाता है। तो ये दो आत्माओं का मेल की बात हो रही है। दो आत्माओं से एक आत्मा अगर व्यक्त स्टेज में रहे तो मेल होगा? नहीं। तो पहली बार अव्यक्त मिलन दोनों आत्माओं का, सुप्रीम सोल और मनुष्य सृष्टि की वो आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापत्या पिता, जिसका शास्त्रों में नाम प्रजापति रख दिया है। शास्त्रों में विश्वपति भी कहा जाता है, विश्वपिता भी कहा जाता है। तो उन दो आत्माओं के मिलन की बात हो रही है आज की अव्यक्तवाणी में। उस दिन को बाप दादा याद कर रहे हैं। कौन सा दिन?
पांच दिसंबर वो कब हुआ होगा है 69 के बाद माने माना वो आत्मा 69 में बेसिक ज्ञान में आनी चाहिए है। बिंदु आत्मा और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल की पहचान मिलनी चाहिए और पहचान मिलने के पांच सात रोज के अंदर उन दोनों आत्माओं में से एक आत्मा जो आत्माओं के बीच द्वयम नंबर है अव्वल नंबर तो शिव बाप वो तो सदाकाल ही अव्यक्त है बिंदु है। फिर दूसरी आत्मा कौन पहले पहले बिंदु बनती होगी मनुष्य सृष्टि का बाप जिसको बेसिक का कोर्स मिले उसके बाद ही बनेगी या पहले से बन जाएगी बाद ही बनेगी। तो वो तारीख निकाली जाए कि वो राम वाली आत्मा कब बेसिक नॉलेज लेना शुरू करती है उसके पांच सात रोज के अंदर ही अंदर वो बीज रूप स्टेज धारण करती है मनन चिंतन मंथन की अव्यक्त स्टेज धारण करती है। पूरा बिंदु बनेगा तभी वृक्ष विस्तार को पाएगा या पहले ही वृक्ष में फल पकता है बीज अपने को डिटैच करता है डिटैच कर लेता है ना कि वृक्ष से कनेक्शन रहता है, है? फल टपक के नीचे गिर पड़ता है। फल भी सड़ जाता है बीज सड़ जाता है कि रह जाता है रह जाता है। जब मौसम आता है तो बीज जो है वृक्ष बनता है। तो मौसम ये संगम युग का शुरू हुआ राम वाली आत्मा के लिए ज्ञान बरसात का मौसम है। हाँ ब्रह्मा वाली आत्मा जाती है और राम वाली आत्मा आती है। जब बेसिक नॉलेज में आती है उसके पांच सात रोज के अंदर की बात है जो बाप दादा याद कर रहे हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। कौन से ब्रह्मा बाबा? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बोला सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का ये नजारा देखा किस समय का 5 दिसंबर का 69 का हो सकता है कि नहीं हो सकता है है हो गई है। नजारा देखा और सबने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। पहले पहले बीज रूप का मिलन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो सबका बाप है वो मनाएगा या दूसरी आत्माएं मनाएंगी? पहले 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 वो फिर नंबरवार और आत्माएं जो संसर्ग संपर्क में आने वाली होंगी वो भी उस स्टेज का अनुभव करेंगी। हर दिन की लीला अपनी अपनी है। क्या कहा? अपनी अपनी है। तो ये अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा लगा है। किसको? ये हाँ सुप्रीम सोल बाप को
यह व्यक्त दिन उनके दिल को बहुत प्यारा लगा है। सुप्रीम सोल बाप का अपना दिल या मन होता है, है? है? होता है। सुप्रीम सोल बाप को मन होता है कि अमन है? अमन तो है, अमन तो है, फिर मन है कि नहीं? ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा मन है ना। हाँ, ब्रह्मा मन है, ब्रह्मा मन है बाप का। कौन से बाप का मन है? सुप्रीम सोल बाप का मन है? अगर सुप्रीम सोल बाप का दिल दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर होता तो परमधाम छोड़ करके दादा लेखराज ब्रह्मा में पहले आता ना। फिर तो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा माशूक होती ना। कि राम वाली आत्मा माशूक होती, राम वाली आत्मा माशूक होनी चाहिए। तो बोला यह अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा लगा है। उसी तारीख को याद किया, क्योंकि वो पहले निराकारिष्ट ले लिया, खुद को आत्मा समझ लिया। कौन? राम वाली आत्मा। हाँ, तो प्यारा किसको लगा? सुप्रीम सोल को लगा ना। दिल को बहुत प्यारा लगा है। सुप्रीम सोल की बात की? छोटी मम्मी, छोटी मम्मी दिल है। नहीं नहीं, अब तो राम वाली आत्मा से अच्छा लगा। शिव बाप की दिल पूजा भी करूंगा। शिव बाप कौन सा? शिव जब कहा तो सुप्रीम सोल हुआ ना। जो सुप्रीम सोल है उसका दिल होता है, मन होता है, वो तो नहीं होता। तो कौन से बाप की बात है? है? राम वाली आत्मा की बात है जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, उसका दिल कौन है? कौन? राम वाली आत्मा का सुप्रीम सोल का दिल है। बता, मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है, संस्कार अलग शक्ति है। मन है ब्रह्मा, बुद्धि है त्रिनेत्री शंकर, और विष्णु है संस्कार परिवर्तन शक्ति, प्योरिटी का आगार सारे कल्प में। तो प्रजापिता ब्रह्मा दिल हो गया। सुप्रीम सोल किसके द्वारा व्यक्त होता है? राम वाली। तो उसका दिल कौन है? राम वाली आत्मा का। राम वाली आत्मा ही दिल है, ये क्या बात हो? कृष्ण वाली आत्मा, ये कहो। क्योंकि जो बाप होता है उसका लगते जिगर कौन होता है? बच्चा। बच्चा होता है। उसका दिल किसके ऊपर जाता है? किसको अपनी प्रॉपर्टी सौंपता है? बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे को सौंपता है। तो सृष्टि रूपी रंग मंच का 500 करोड़ जो बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि के बाप के, उसका पहला पत्ता बड़ा बच्चा कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा वाली सोल, कृष्ण वाली सोल। तो जो कृष्ण वाली सोल है उसको कोई विश्व की बादशाही देगा, सतयुग की बादशाही देगा या किसी और को देगा? वही बड़ा बच्चा है ना सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है? तो उसका दिल नहीं हुआ। वो पढ़ाई किसको पढ़ा रहा है खास? राम बाप वाली आत्मा टीचर बन करके, टीचर के रूप में 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि के रूपी पत्तों में से किसके ऊपर खास नजर है जिसको पढ़ाई पढ़ा रहा है? फिर तो दिल किसके ऊपर हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बाप बोलता मैं इनको समझा तो तुम वो बीच में सो लेते, मैं तुमको समझा रहा हूँ वो बीच में सो लेते। तुमको किसको कहा? बुद्धि को कहा या मन को कहा? प्रधान कौन है, बुद्धि या मन? अरे तीन शक्तियां हैं आत्मा की, मन बुद्धि और संस्कार परिवर्तन शक्ति। तीनों शक्तियों में मुख्य कौन है? ऊपर किसको रखेंगे? फिर
तुम तुम ब्रह्मा बाबा ने सामने आने वाले को तुम सामने आने वालों को तुम कहा जाता है ये, तो ब्रह्मा बाबा कभी बाप के सामने हो पाए? पहचान लिया? पहचाना? तुमने पहचाना या ब्रह्मा बाबा ने पहचाना? हैं? ना हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने शिव बाबा को शिव बाप को पहचाना या ब्रह्मा बाबा ने पहचाना? हैं? तो फिर ब्रह्मा ने तो अभी भी पहचाना कि नहीं पहचाना? अभी भी नहीं पहचाना। और जिस क्षण पहचान लेगा उस समय बाप का पक्का बच्चा बन जाएगा, वर्षे का हकदार बन जाएगा, या अपने को वर्षे का हकदार नहीं समझेगा? हैं? समझेगा? शिव बाप का बच्चा अभी भी नहीं बना है, इसलिए घड़ी घड़ी एडवांस परिवार को छोड़ करके कहाँ चला जाता है? हैं? मोह लगा हुआ है ना कि नहीं? मोह लगा हुआ है, पूर्व जन्म में चली जाती है आत्मा। सूक्ष्म शरीरधारी भूत है, भूत अपने कौन से जन्म को याद करता है? पिछले जन्म को याद करता है। भविष्य का तो उसे पता ही नहीं होता है, मुझे कहाँ जन्म लेना है। भविष्य के प्रत्यक्षता रूपी जन्म का अभी पता है नहीं? तो ये अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा लगा है। दिल माने किसको? हैं? कृष्ण वाली आत्मा दिल है, मन है, उनको भी बहुत प्यारा लगा है। क्या प्यारा लगा है? है वर्तमान की भूत की भविष्य? वर्तमान की बात बताई। व्यक्त देश में होते हुए भी क्या दोनों आत्माएं व्यक्त देश में हैं? व्यक्त देश में होते हुए भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे चारों ओर सभी के नहनों में थे। तीनों बातें क्या क्या? अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, कौन सा? 5 दिसंबर का 69 का अव्यक्त नजारे, जो नई दुनिया पुरानी दुनिया के बीच प्रत्यक्ष होगी वो अव्यक्त नजारे होंगे या देवान में वो आत्माएं होंगी? वो अव्यक्त नजारे जिसके लिए बोला अतीन्द्रिय सुख देखना हो तो गोप गोपियों से पूछो, वो गोप गोपियों का संगठन, वो अव्यक्त नजारे वाला संगठन बताया चारों ओर सभी के नैनों में थे। क्या? सभी के नैनों में थे। किन के नैनों में थे? कौन सभी? 500 करोड़? 33 करोड़? 8-10 करोड़? सत्यों के 2 करोड़? सत्यों की आदि की 9 लाख हाथ में? हाँ, 4.5 लाख? सोमनाथ मंदिर की याद दिलाई, वहां से लेकर के और 76 तक जो भी आत्माएं थी, और 76 से लेकर के अब तक भी जिनकी बुद्धि में ये बातें समझ में आ रही हैं, अव्यक्त वाणी का क्लेरिफिकेशन आ रही होंगी कि नहीं? बहुतों की बुद्धि में समझ में आएंगी या नहीं आएंगी? उन सभी के नैनों में ये तीनों ही नजारे थे। बोला ऐसा अव्यक्त मिलन सभा में, अव्यक्त रूप में बाप
और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा था। मैंने एडवांस पार्टी के ही बच्चों में हैं, या एडवांस पार्टी के वो बच्चे रुद्रमाला के जिनके साथ वो चंद्रवंशी आकर के मिल जाएंगे, जो सूर्यवंशी बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं? हाँ, उनके नजरों में भी बाप और बच्चों का मिलन का दिवस मनाया जा रहा था। सभी के मुख से बाबा, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी अद्भुत रूप को देखा। और ये अव्यक्त दिवस मेजॉरिटी उसी स्नेह में उसी रूप में मना रहे थे। किसी रूप में है? किसी रूप में मना रहे थे। अरे अभी तो बोला, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा। यह साकार में भी अव्यक्त रूप को देखा, यह अव्यक्त दिवस 5 दिसंबर का 69 का मेजॉरिटी सभी उसी स्नेह में जिस साकारी याद में 18 जनवरी की स्मृति में लोग बैठे रहते हैं, याद में साकार की याद में बैठते हैं, निराकार की याद में, उसी स्नेह में उसी रूप में मना रहे थे। सभी के दिल में ये अव्यक्त मिलन, जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी वो ही मिलन, अव्यक्त मिलन बड़ा मधुर अनुभव याद दिला रहा था। मेरा बाबा, मीठा बाबा, याद है ना वो मिलन, उस साकार मिलन में अव्यक्त की अनुभूति देने वाला वो कौन आए थे? माना 76 से पहले अव्यक्त स्टेज बनी होगी या नहीं बनी होगी? क्योंकि शुरुआत तो तभी से बता दी जब से वो बीज रूप आत्मा सारी सृष्टि की बेसिक में आती है, साप्ताहिक कोर्स लेती है और अव्यक्त स्टेज में टिक जाती है। तो याद दिलाया, याद आना है, आता है वो मिलन, कौन आए थे उस अव्यक्त स्टेज में तुम्हारे सामने, पहले पहले दिन कौन आए थे? इतनी सभा से कौन आए थे मिलन मनाने? माउंट आबू में जो 5 वो क्या नाम, हाँ 5 दिसंबर को सभा लग रही थी, उसमें कोई बैठे होंगे। हाँ, उनसे पूछा, इतनी सभा से, इतनी बड़ी सभा जो बैठी हुई थी उस समय 5 दिसंबर को बाबा के नैनों के सामने, इतनी सभा से कौन आए थे मिलन मनाने? उस अव्यक्त स्टेज में पहली बार तुम्हारे साथ, हाथ उठाओ, वो हाथ उठाए उस बड़ी सभा में, तो यहाँ दिखाया ही नहीं। किसने नहीं बताया? बाबा ने पूछा तो हाथ उठाना चाहिए ना कोई कोई को। अगर उठाया भी है तो लेकिन जानते नहीं तो क्या बताएं? अरे ये सारी बात जानेंगे वो लोग, कोई तो होगा जो बाबा ने पूछा है तो। अरे बाबा ने पूछा ना, उस समय 5 दिसंबर को कौन आए थे तुम्हारे सामने अव्यक्त मिलन बनाने, या उसके बाद कौन आए थे? सुप्रीम सोल ने तो अपनी बात बता दी कि 5 दिसंबर को आए थे,
पहली बार, फिर और भी बच्चों के सामने कभी कभी आते रहे होंगे उसी अव्यक्त स्टेज में, जिस अव्यक्त स्टेज में सभी धर्म पिताएं पहली पहली बार अपने फॉलोअर्स के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, होते हैं या नहीं? बुद्ध का चेहरा ध्यान से देखो, आंखें देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो, आंखें देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, आंखें देखो, अव्यक्त स्टेज है या व्यक्त स्टेज है? अव्यक्त स्टेज दिखाई, धर्म पिताओं की शुरू शुरुआत की वह अव्यक्त स्टेज है, बीज रूप स्टेज की, जब परम धाम से नीचे उतरते हैं। ओम शांति।